प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक हुई और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य इसमें शामिल हुए और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हुए। और इसके बाद एक अलग से बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ एक अलग से बैठक हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्शन में हैं, एक्टिव हैं और चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हुई और उम्मीद ये की जा रही है कि आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को 24 सीटों के लिए पहले दौर का मतदान होना है और उसके लिए नामों को लेकर चर्चा हुई और अंतिम मुहर भी लग गई है जिसका ऐलान आज किया जा सकता है। इस बैठक के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह के साथ अलग से बैठे और जम्मू कश्मीर की चुनाव की तैयारियों की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री की रैलियां कितनी हो सकती हैं इसको लेकर भी चर्चा हुई। माना यह जा रहा है कि कश्मीर घाटी में 2 रैलियां पीएम की हो सकती हैं और 4 से और करीब 6-7 से ज़्यादा रैलियां जम्मू रीजन में प्रधानमंत्री की हो सकती हैं।